जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र में मंदिर पर अवैध कब्जे का प्रयास करने वालों की भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष ने SDM से शिकायत की। जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के घटलेश्वर गेट में कुछ हिंदू युवा वाहिनी संगठन के लोगों द्वारा मंदिर पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया गया। जब इस बात की जानकारी भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विशाल चौहान को हुई तो उन्होंने इस बात की शिकायत उप जिलाधिकारी चंदोसी महेश प्रसाद दीक्षित से की। इस विषय में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विशाल चौहान ने बताया कि अपने आप को विश्व हिंदू महासंघ का कार्यकर्ता बताने वाले कुलेंद्र यादव व गुड्डू कश्यप नाम के दो व्यक्तियों ने घटिया गेट में स्थित मंदिर पर अवैध कब्जे का प्रयास किया। इस दौरान उनके साथ पुलिस भी मौजूद थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मंदिर पर 4-5 बार पहले भी अवैध कब्जे का प्रयास किया जा चुका है। ये योगी जी और भाजपा की सरकार है, इस तरह के प्रयासों को सफल नहीं होने दिया जाएगा और इन लोगों के विषय में ऊपर संगठन के लोगों से जानकारी प्राप्त की जाएगी। आज मैं कहीं बाहर था, मुझे सूचना प्राप्त हुई कि कुछ हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोग घटिया गेट मंदिर पर कब्जा करना चाहते हैं। पुलेंद्र यादव नाम था और एक गुड्डू कश्यप नाम, विश्व हिंदू महासंघ से जुड़े हुए हैं ये लोग। लेकिन मैंने जब ऊपर जानकारी की तो उन्होंने ऊपर पदाधिकारियों ने ऐसे पदाधिकारी होने से इनकार किया, यानी शायद हो सकता है ये फर्जी हो। पुलिस भी उनके साथ गई थी। जब मेरी बातचीत हुई कि हमने कहा आपको किसने भेजा है, तो वो वहाँ तुरंत लौट आई। अभी हमने SDM साहब से बात की है, किसी भी कीमत पर, ये योगी सरकार है, भाजपा सरकार है, मंदिर परिसर में या मंदिर में ऐसे अराजक तत्वों को किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। इसके लिए जो भी कीमत हमें देनी पड़े हम देंगे। हम सब लोग बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। पहले भी कई बार इस प्रकार कब्जा करने की कोशिश की गई है भूमाफियाओं द्वारा, और इस बार भी वही पुनः प्रयास हुआ है। हम लोग ये किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। मैं जो भी भाजपा अभी जो ये विश्व हिंदू महासंघ के संगठन के पदाधिकारी जो अपने आप को बता रहे हैं, हम ऊपर संगठन के पदाधिकारियों को शिकायत करेंगे कि इस तरह के अगर लोग भूमाफिया लोग आपके संगठन में हैं तो इन लोगों पर त्वरित कार्रवाई की जाए।